गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी बेचीला। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें हमने ले लिया है एक कटोरी सूजी। सूजी बारीक वाली है और इसमें डाल देंगे चौथाई कप गेहूं का आटा, एक कप डाल देंगे इसमें दही और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे 20 मिनट तक, जिससे आटा अच्छे से फूल जाए और सूजी के जो दाने हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में डालेंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, हम यहाँ पे ले लिए हैं कुछ सब्जियों। तो पहले मैं गाजर को ये ग्रेटर के बड़े वाले होल से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को कट करके ले लिया है। चौथाई कटोरी मैंने कैबेज ले लिया है, चौथाई कटोरी के लगभग शिमला मिर्च बारीक कट करके ले लिया है, ग्रेटेड दो छोटे छोटे गाजर ले लिए हैं, थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई ली है और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे हमारा बैटर भी अच्छे से फूल चुका है जो हमने चीले के लिए बनाया था। तो उसमें हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। हरी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे इसमें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर बेटर में थोड़ा सा गाढ़ापन हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसका बैलेंस कर लें, जिससे आपके पैन में अच्छे से फैल सके। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली कट करके डाल सकते हैं और इसे भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। गैस पे मैंने रख दिया है पैन और गैस का फ्लेम ऑन करके इसके थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैकेट इनो का, इसे हम अपने बैटर में डाल के उसको थोड़ी देर जब भी बनाना हो तुरंत आप इसे डालेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। इनो को हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। एक टेबल स्पून इनो हमें डालना है या पूरा पैकेट आप डाल दें आपके पास हो तो। पैन में हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे और इसे फैला देंगे। इसको हम थोड़ा सा मोटा फैलाएंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं तो पतला करने पे ये टूट जाएंगी। और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा साइडों में ऑयल लगा देंगे, ऊपर भी थोड़ा सा लगा देना है। थोड़ी देर से और ढक देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे फिर से खोल के चेक करेंगे और थोड़ा सा साइड से उठा के देखें। इसे हम टॉस करके पलट लेंगे, पलट दिया है और इसे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के और ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चीले को हमने दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लिया है और थोड़ा सा क्रंची कर लें जब भी बनाएं, क्योंकि सूजी का चीला थोड़ा सा पकने के बाद क्रंची हो जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। इसी ढंग से हम दूसरा फैला लेंगे।
बनाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। चीले मारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे हरे धनिया की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं।